दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MLM कुमोत में। अब बात करेंगे आज जो रियल है, मैं वही बताऊंगा, कोई घुमा फिरा के करने वाली बात नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब यू स्वाप, जिसने एक सबसे बड़ा घोटाला कैसे किया वो बताता हूँ कि यू स्वाप में मैंने लगाए थे यहाँ पे इस अकाउंट से समथिंग 19,000 ट्रोन, ओके 19,000 प्लस लगाए थे, लगभग 20,000 के आसपास। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट स्क्रॉल करेंगे, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 10,800। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। दो पुल्स मैंने लगाए थे, जिनको लगाया था मैंने यू स्वाप एंड सन में। ठीक है, तो 10,800 यानी कि मेरे हो गए 21,200 ट्रोन यहाँ पे स्टैकिंग में मैंने लगाए थे। और आज जब मैंने इनसे स्टैकिंग से हटाया तो आप चेक कर सकते हैं मेरे को कितना मिला, 7,000 ट्रोन एंड 7,000 ट्रोन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टोटल लॉस हुआ, 7 × 14 यानी कि 6 और 1 7,600 ट्रोन एक पूल में मेरे को लॉस हुआ है। ठीक है, ये इनका काला सच है, क्योंकि कोई भी बंदा अगर स्टैकिंग में पैसा डालता है तो उसका फंड पूरा का पूरा सेफ होना चाहिए। ठीक है, अगर बढ़ते क्रम में अगर रेट जाएगा तो जो उसने स्टैकिंग में डाला है कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड, ठीक है, तो यूएमई की प्राइस अगर कम हुई है तो यूएमई की प्राइस कम होने के बाद में अंदर जो स्टैकिंग में था वो यूएमई बढ़ना चाहिए था। ठीक है, और जो सन था वो उतना ही रहना चाहिए, यूएमई बढ़ना चाहिए, तो सामने वाले का फंड जो होता है वो सेफ होता है। और स्टैकिंग, उसको रियल बोलते हैं स्टैकिंग। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ता है तो सन उतना ही होना चाहिए, यूएमई कम होना चाहिए। ठीक है, या फिर यूएमई बढ़ना चाहिए, सन कम होना चाहिए और फंड उतना ही होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैकिंग। परंतु यहाँ पे मैंने जब स्टैकिंग लगाया, आप चेक कर सकते हैं, मैंने 3-4 जगह लगाया था, टोटल मेरे को पूरा का पूरा आज लगभग 18,000 ट्रोन के आसपास मेरा लॉस गया है। फॉर एग्जांपल अगर INR में अगर बात करेंगे तो 18,000 ट्रोन का कितना होता है, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया 18,000 ट्रोन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गिनेंगे तो 41,000 रुपये का मेरे को यहाँ पे आज लॉस गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो इतने दिन में लोग स्टैकिंग कर रहे थे, टोटल जिन्होंने कमाया जिसका पैसा यहाँ पे इन्होंने कवर कर लिया, पूरा का पूरा पैसा का इन्होंने कवर कर लिया। ठीक है, तो आने वाले दिनों में अगर आप स्टैकिंग या यू स्वाप पे लगा रहे हो आपका पैसा, तो एक बात का आप ध्यान रखें कि यू स्वाप के पूल में बिल्कुल भी पैसा न लगाए। आप लगाए USDT TRX, USDT ट्रॉ क्लेवर, या फिर आप यू स्वाप के मंच पे पैसा न लगाए। ठीक है, यू स्वाप का कोई भी पूल हो XYZ, वहाँ पे पैसा न लगाए। ठीक है, अगर आपका यू स्वाप की जो UME की रेट बढ़ते क्रम में जाएगी तो वो फंड अपना उतना ही रखेगा, अगर कम हो गई तो अपना फंड कम कर देगा वो। ठीक है, उसने बहुत बड़ा घोटाला किया है। और वहाँ पर मैंने जब उनसे बात कर रहा था मैं, ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं है, कोई सही तरीके से कोई बात भी नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप निकल जाओ, क्योंकि UME की प्राइस अभी गिरने वाली है लगभग। और ये मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा उन्होंने धोखा किया है लोगों के साथ में। और आने वाले दिनों में ये बोल रहे कि अभी इनका जो कारण हो सकता है, मेरे को ये लगता है कि UME की जो प्राइस है वो डाउन ट्रेड करके सबको बाहर निकालेगा, बाहर निकालने के बाद में ये प्राइस को बढ़ावा देगा, यानी कि प्राइस को जंप करेगा जहाँ से लोग वापस बाई करेंगे। ठीक है, जब लोग बाई करेंगे तो इनको क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि लोगों ने सस्ते में बेचा महंगे में ख़रीदा तो इनको तो 100% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो बाद में वो क्या करेगा, EFT तक UME को डाउन रखेगा, उसके बाद में जंप मारेगा ही मारेगा, ये फाइनल। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारे UME टोकन्स हो चुके हैं जो अनलिमिटेड है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लगा रखी है तो आपकी ट्रेड को जो चेक करो, स्टैकिंग को चेक करो,
और थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद, धन्यवाद।